यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड वैम्प सर्वर, तो आपको एक ये लिंक मिलेगा www.wampserver.com/en। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैम्प सर्वर को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपकी स्क्रीन स्क्रोल डाउन होकर इन लिंक्स पे आ जाएगी जहाँ पे आपको वैम्प सर्वर के डिफरेंट वर्जन मिलेंगे। तो ये 64 बिट के लिए है 5.6.15 और यही वर्जन 32 बिट्स के लिए यहाँ पे है। तो उसके नीचे आप देखेंगे तो PHP का 5.5 वर्जन है और 32 बिट्स के लिए, और यही वर्जन 64 बिट्स में यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो भी वर्जन डाउनलोड करना चाहें वैम्प का उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे 64 बिट का डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 64 बिट का मैं ये वाला वर्जन डाउनलोड करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरे पास ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड डायरेक्टली पे क्लिक करूँगा वैम्प सर्वर को डाउनलोड करने के लिए, और उसके बाद आपके पास ये मैसेज आएगा योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, अगर ना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक पर। ये देखिए मेरे पास मेरा सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे ओपन करेंगे फोल्डर में और डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आप ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर वैम्प को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसे अपनी एफ ड्राइव में कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका वैम्प सर्वर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तो उसके बीच में आपको ये मैसेज आएगा, आप इसे बस ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है फिनिशिंग इंस्टॉलेशन, मीन्स इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो रही है, बस उसे फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप SMTP, अगर आपको इस तरह का मैसेज आए Windows firewall has blocked some features of this program, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें allow access और यहाँ पे सेम रहने दें SMTP local host और email address this और next पे क्लिक कर दें और उसके बाद finish। तो जब आपकी installation complete हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे system tray पे आपके पास ये वैम्प server आ जाएगा। पहले इसका color red होगा, फिर yellow और फिर green। जब ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब अब ये स्टार्ट हो चुका है और अब हम इस पर काम कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके एग्जिट पे क्लिक कीजिए और ये बंद हो जाएगा। अब मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद लोकल होस्ट पे। तो जब आप लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट आ जाएंगे। हम इसमें बेसिकली प्रोजेक्ट कहाँ पे रखते हैं, ये WWW डायरेक्टरी में। आपके पास यहाँ मैसेज भी आ रहा होगा टू क्रिएट अ न्यू वन जस्ट क्रिएट अ डायरेक्टरी इन WWW। तो ये WWW कहाँ पे है, यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी WWW डायरेक्टरी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसमें फोल्डर क्रिएट करके अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसे नेम दे देता हूँ जितेंद्र, और ये मेरा नाम का प्रोजेक्ट बन चुका है और इसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स रख सकता हूँ। और इसे रन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश, और ये देखिए मेरे प्रोजेक्ट्स में उस जितेंद्र नेम के फोल्डर का प्रोजेक्ट आ चुका है। तो मैं इसे रन कैसे कर सकता हूँ, लोकल होस्ट के बाद मैं स्लैश लिख के जितेंद्र फोल्डर को असेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ रहा है। ये ऐसे ही आ रहा है क्योंकि अभी तक ये फोल्डर खाली है और इसमें कोई भी फाइल्स नहीं है। तो हम जो भी काम करेंगे अपने WWW की डायरेक्टरी में फोल्डर क्रिएट करके करेंगे। तो WWW डायरेक्टरी आप या तो यहाँ से खोल सकते हैं और या फिर आपको अपनी ड्राइव में जाना होगा जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल किया है, जैसा मैंने यहाँ पे किया है अपनी एफ ड्राइव में। तो यहाँ पे आपको वैम्प नेम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये WWW का फोल्डर होगा, इसमें आप फोल्डर क्रिएट करके अपना काम कर सकते हैं।